तो जो हमारा की कंसेप्ट है दैट इज दी सीरीज एलसीआर सर्किट ठीक है दैट इज सीरीज एलसीआर सर्किट सीरीज एलसीआर सर्किट में हमारा जो करंट होता है वो सेम रहता है ठीक है तो हमें पता है कि एसी सर्किट में जो हमारा पावर है वो हमको निकालनी तो पहले हमको वोल्टेज जो है दैट वी बट ए सी वोल्टेज है सो इट इज गिवन गिवेन बायम साइन ओमेगा टी साइनसोटल वेरी कर रहा है और जो इनपुट करंट है आई इट इज आई एम आई एम हमारा मैक्सिमम करंट है इन टू साइन ओमेगा टी तो साइन ओमेगा टी आई एम हमारा मैक्सिमम करंट है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ठीक है वी हमारा मैक्सिमम वोल्टेज अब इससे कर हम लोग इम्पिडेंस निकाल लें ठीक है हमको पता है कि रिलेशन इम्पिडेंस के लिए तो आई एम इट विल बी इक्वल टू दी वी एम अपॉन जेड ठीक है मैक्सिमम करंट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस ऑफ दी एल सर्किट ठीक है एल सर्किट में हमें पता है जो फाइव होता है कॉस फाइव टेन जो फाइव होता है इट इज गिवन बाय टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स सेल अपन आर ठीक है हम लोग फेजर डायग्राम से रिलेशन निकालते हैं ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है तो बार बार करने की जरूरत नहीं है तो ये सब चीज़ हमको पता है ओके पावर फैक्टर से भी निकाल सकते हैं तो हमको पता है पावर जो होती है पावर एवरेज पावर इट इज गिवन बाय वी आई जो पावर होती है इट इज गिवन बाय वी आई नॉट एवरेज पावर उसकी वैल्यू पुट करेंगे ये है हमारा वी एम साइन ओमेगा टी ओमेगा टी और इसकी वैल्यू होती है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा टी प्लस फाइव ये जो फाइव एंगल आगे होता है हमारा करंट एल सर्किट में तो इसको हम लोग वी एम आई एम बाहर निकाल लेंगे वी एम आई एम हम लोग बाहर निकाल लेंगे स्मॉल आई कैपिटल आई इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो ठीक है और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं इसको हम लोगों ने टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दिया ठीक है इधर टू से डिवाइड कर दिया अंदर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा टू साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ठीक है टू साइन ओमेगा प्लस फाइव तो इसको हम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं दैट आइडेंटिटी विल बी ये हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है ठीक है आइडेंटिटी लगाई एवरेज पावर जो है उस एवरेज पावर के टर्म में जो हमारा कॉज ओमेगा टी माइनस फाइव वाला टर्म है दैट विश शुड टर्न आउट टू बी जीरो फॉर एवरेज पावर ये टर्म हमारा जीरो होना चाहिए तो इसलिए हम लोग जब लिखेंगे एवरेज पावर पी एवरेज सो इट विल बी इक्वल टू दी वी एम आई एम कॉस फाइव अपॉन टू ठीक है Vm, upon two into cos phi. ये हमारा एवरेज पावर हो गया और ये हमारा जो एवरेज पावर है इसको हम लोग आई एम फाइव को वी एम परंट था ये साइन ओमेगा प्लस फाइव था फाइव एंगल आगे था बाद में यस बाद में तो ये ठीक किया हुआ है ठीक है तो हम लोग इसको क्या है वी एम साइन ओमेगा जो हमारा आई एम साइन ओमेगा प्लस फाइव है ठीक है इसको हम लोग लिख सकते हैं अपने सॉल्व करके हम इसको लिख सकते हैं वी आई कॉस्व के बराबर ठीक है वीएम आई एम अपॉन्ट टू यानी कि इट इज आउट टू बी वी आई कॉस फाइव ये हमारा एवरेज पावर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में